अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जे के स्टूडेंट्स टॉक में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन कंप्लीट किया है जिनके मेजर सब्जेक्ट्स में दो सिलेक्ट लिस्ट में नाम आया था जिसके कुछ स्टूडेंट्स का पहले सिलेक्ट लिस्ट में नाम आया सेकेंड में किसी का अपग्रेड हुआ कुछ न्यू स्टूडेंट्स एड हुए अब उनको यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट्स और अदर सब्जेक्ट्स को चूज़ करना था बाकी कुछ कॉलेज उसी टाइम चूज कर दिए थे बाकी उनको फी भी बाकी उनको फ़ी पे करनी थी कॉलेज फी तो इसके बारे में नई नोटिफिकेशन आई हुई है आपको कब जाना है और कैसे जाना है और किन कॉलेज वालों को जाना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं तो चले हम बात करते हैं पहले अमर सिंह कॉलेज के बारे में तो उन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग नोट्स निकाली हुई है आपको मेजर सब्जेक्ट्स आपको किस डेट को जाना है और चूज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कंप्यूटर तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमर्स बॉटनी वगैरह आपको ट्वेल्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वेल्थ अगस्त आपको जाना है दस बजे से लेकर चार बजे तक और यहाँ पर आपको मैथामेटिक्स ई वी एस जियोग्राफ़ी वगैरह आपको सिक्सटीनथ अगस्त को जाना है और यहाँ पर साइकोलॉजी उर्दू टूरिज़म टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट तो उनको सेवनटीन अगस्त को जाना है और यहाँ पर जो जिनका एजुकेशन कश्मीरी अरबिक पॉलिटिकल साइंस था उनको यहाँ पर एटीनथ अगस्त को जाना है तो यहाँ पर आपने ये काउंसलिंग नोट्स देखी अब मैं आपको फ़ी आपको कितना भरना है तो जिनके यहाँ तो जिनका यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट उनको फाइव थाउजेंड फ़ी भरना है और जिनका यहाँ पर आर्ट्स है उनको फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनको सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और जिनका कॉमर्स है उनको फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड और जो जिनका टूरिज्म है उनको सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड और जिनको मास कम्युनिकेशन उनको सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पर आपको यही फ़ी नहीं रह सकती है इसमें कुछ चेंज भी आ सकते हैं तो आपको यही याद रखना है यहाँ पर मैंशन किया है उन्होंने तो यहाँ पर आपको कोर्स वग़ैरह यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है और यहाँ पर पेरेंटेज कॉन्टेक्ट वग़ैरह तो यहाँ पर आपको ये बैंक पे फिल फिल कर देना है तो यहाँ पर हम बाकी कॉलेज की बात करेंगे यहाँ पर जो कि बाकी कॉलेज है जैसे कि एस पी कॉलेज हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं अपने मेजर सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए कि बाकी कॉलेज हैं उनको उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है तो अब हम थर्ड सेलेक्ट लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे वो आएगा या नहीं कब तक आ सकता है तो यहाँ पर थर्ड सेलेक्शन लिस्ट जो के वो ज़रूर आएगा अब बात रही यहाँ पर थर्ड सिलेक्श लिस्ट की तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये बोलते हैं फिर कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया तो यहाँ पर टेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है फॉर्म फिल किया है तो एट थाउज़ेंड तो वैकेंसी है तो सभी स्टूडेंट्स को तो नहीं लेगी कलस्टन यूनिवर्सिटी तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर तो तो थर्ड सिलेक्ट लिस्ट क्यों आएगा क्योंकि जो सेकंड सेलेक्शन लिस्ट आया था जिन स्टूडेंट्स में उसमें जिन स्टूडेंट्स का उसमें नाम था अगर वो एडमिशन नहीं करेंगे तो फिर थर्ड सेलेक्शन लिस्ट आ जाएगा लेकिन थर्ड सेलेक्शन लिस्ट जरूर आएगा अब कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पर वेट करना है जिनकी ओ कैटेगरी थी यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर लीजिए जिनका ओ कैटेगरी है ओपन मेरिट उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो कि मार्क्स हैं वो सिक्सटी परसेंट है जो कि कट ऑफ रहा है वो सिक्सटी फोर रहा है तो वो वेट करें अब किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिफ्टी से लेकर फिफ्टी फाइव तक मार्क्स हैं तो यहाँ पर कट ऑफ कह रहा है सिक्सटी फोर तो वो वेट ना करें वो किसी और कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन करें तो अब इस वीडियो को बाइक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच